चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। अगर आप हमारा एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहेगी। सिमिलैरिटी, बिफोर गोइंग इनटू सिमिलैरिटी लेट अस रिवाइज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कोई भी दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है वो बेसिकली ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे का शेप और साइज एकदम सेम होता है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी जैसा ही है पर एग्जैक्टली नहीं, सिमिलैरिटी में शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट होता है। तो हो सकता है दोनों ट्राइंगल्स इक्विलैटरल हो, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों साइड्स बराबर हो, 2 2 2 4 4 4। सो बेसिकली ये इसके मल्टीपल्स में हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सिमिलैरिटी हम लोगों का होता है जब शेप सेम होता है पर साइज अलग होता है, एक दूसरे का छोटा भाई जैसा फील आएगा। अभी कॉन्ग्रुएंसी में भी हम लोगों ने यही किया था कि अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी में हम लोग यही जज करेंगे कि सपोज मेरे को पता चल जाए कि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या फायदा, मेरे को कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना। तो वो एडवांटेज क्या है, अगर मेरे को पता है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मेरे को पता है तीनों साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज है वो हम लोगों का सेम होगा। जैसे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये तीनों रेशियो सेम होगा। बेसिकली अगर ये 2 है और ये 4 है, अगर ये साइड सपोज 6 होगा तो ट्वाइस है तो इसको 12 होना पड़ेगा, ये 3 होगा तो इसको 6 होना पड़ेगा, रेशियो सेम रहेगा 1:2 1:2 1:2, ये रेशियो सेम आएगा। और तीसरा चीज हम लोग को पता चलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। पर एंगल को हमेशा 3 लेटर नेम्स में लिखना चाहिए, कभी भी 1 लेटर नहीं लिखना चाहिए अंटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो 1 लेटर में गिवन हो। तो 3 लेटर नेम के हिसाब से अगर ध्यान दो तो एंगल ए बीच में रहेगा, बी रहेगा फिर सी रहेगा, तो एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। सो एंगल बी से ए से सी विल बी इक्वल टू एंगल सिमिलरली क्यू से पी से आर, तो क्यू पी आर ये वाला एंगल। एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल। सो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। और थर्ड हम लोग का हो गया एंगल बी सी ए, सो बी से सी से ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, क्यू से पी से क्यू से आर से पी तो क्यू आर पी, सो यहाँ पे सी के हिसाब से आर, सो एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। वेरी सिंपल, इसका एडवांटेज बहुत है, एक बार सिमिलैरिटी प्रूव कर दे तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रीजन नहीं देना पड़ता है, सिर्फ ऊपर लिखा होना चाहिए ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कोई भी बेनिफिशियल हम लोग का चीज यूज किया जा सकता है। पर अगर सपोज क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं तो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। तो प्रूफ करने का हम लोग का 3 तरीका है, कॉन्ग्रुएंसी में 4 होता था, साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल साइड और लास्ट राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यहाँ पे 3 ही होता है। सबसे पहला है साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी में तीनों इक्वल होते थे, यहाँ पे यू नीड टू रिमेम्बर साइड इक्वल तो हो ही नहीं सकते, तो वैसा केस में हम लोग का क्या है शेप बराबर होता है, मतलब रेशियोस बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी ए बाई पी आर, तो ए बी सी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू पी क्यू आर। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ढंग से देना, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन ही होगा तो दिक्कत नहीं आएगा, पर अगर तुमको देना है तो सोच के देना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मैच करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, पी क्यू आर ही होगा क्योंकि ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है। दूसरा साइड साइड एंगल साइड, मतलब कोई भी दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, तो सपोज ये और ये और ये और ये का रेशियो सेम है तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, तो ए बी बाई बी सॉरी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और उसके बीच वाला एंगल एंगल ए बी सी क्योंकि ये कॉमन है तो एंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये मैच करना चाहिए। या फिर अगर हम लोग ऐसे जाए तो बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, तो बी सी बाई क्यू आर ए सी बाई पी आर और उसके बीच का एंगल एंगल सी, तो दैट इज एंगल बी ए सी और एंगल क्यू आर पी। और या फिर तीसरा वाला एंगल सी ए लाइन सी ए बाई पी आर और लाइन ए बी बाई पी क्यू और उसके बीच वाला एंगल पी या ए, तो एंगल सी ए बी या ए बी सी
या बीएसई लिख लो और क्यूआर क्यूपीआर या फिर आरपीक्यू, तो तीनों ही केस में कोई भी एक अगर हम लोग कर लेंगे, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, तो वैसा केस में हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। बट ये दोनों थोड़ा सा इलाबोरेट है, कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये एंगल एंगल एक्सियम। एंगल एंगल क्राइटेरियन में हम लोग का बेनिफिट क्या, कोई भी दो एंगल, एनी टू एंगल, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, डन, सिमिलर प्रूव हो गया ट्राइंगल। सपोज इसको इससे कर लो, उसको इससे, किसी को भी किसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम लोग का ट्रू है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ट्राइंगल सॉरी ये वाला एंगल अगर इससे है और ये वाला एंगल हम लोगों को इक्वल गिवन है तो भी चलेगा, कोई भी दो एंगल हम लोगों का इक्वल होना चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, काफी सारे बुक्स में एंगल 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 एक्सियम दिया, पर बोर्ड्स में तुम एंगल एंगल कर सकते हो। क्यों? सपोज ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है तो रूल के हिसाब से तो ए ए ए तीनों एंगल होना चाहिए। अगर सपोज ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, इसको एक बार जेड मानते हैं और इसको एक बार ए मानते हैं, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। और इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, इसका मतलब जेड का वैल्यू क्या हुआ, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ये तो हमेशा ही सेम रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है तीसरा एंगल तो सेम होना ही है, तो वैसा केस में हम लोग दो को भी बता देंगे तो भी ट्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंगल एंगल एक्सियम यूज कर सकते हैं। सिमिलैरिटी के साथ एक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सिंपली मीनिंग, अगर एक ट्रायंगल है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ट्रायंगल, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर वे, अगर कोई भी और फिगर होगा उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल के कोई भी एक साइड से हम लोग एक लाइन पैरेलल बनाए, मतलब बीच में कोई एक पैरेलल लाइन बनाए जो कि किसी और साइड से पैरेलल हो, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, अगर ये है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, तो ये रेशियो सेम रहेगा। सो जो रेशियो में ये डिवाइड हुआ वही रेशियो में ये डिवाइड होगा। और इसका कन्वर्स है, अगर ये रेशियो हम लोग को पता है, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इसका और इसका रेशियो अगर सेम है तो फिर पक्का ये लाइन पैरेलल होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ट्रायंगल, ये होना जरूरी है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी आर, तो ए बी और सी आर पैरेलल है। एंड सेकेंडली हम लोग को पता है एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर, एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि तुम कैसे अपना ट्राइंगल्स और ये जो भी फिगर्स है इनको सेपरेट करके देख पाओ। अगर यहाँ पे गौर करके देखो तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए आर क्यू, और यहाँ पे एक तो लाइन है जो है एम एल, हम लोग को पता है ये और ये पैरेलल है। तो ऐसा सिनेरियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, ए एम बाई एम आर इक्वल्स टू ए एल बाई एल क्यू, देखो ए एल बाई एल क्यू आ जाएगा, तो एट द लीस्ट एक चीज तो आया। उसका दूसरी तरफ से देखेंगे क्या किया जा सकता है, सो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए आर क्यू ए एल बाई एल क्यू इज इक्वल्स टू ए एम बाई एम आर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ज्योमेट्री में है रीजन, अगर रीजन नहीं दोगे तो स्टेटमेंट इनवैलिड है, टीचर सीधा क्वेश्चन मार्क मारेगा जीरो, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके आगे वाला इसको यूज करके जो भी प्रूफ किया उसका भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम रीजन दो, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एग्जाम में हीरोगिरी दिखा के बीपीटी मत लिख देना, शॉर्टकट का मार्क्स नहीं है, थेल्स थ्योरम लिख सकते हो दैट इज वैलिड, पर बीपीटी मत लिख देना। सो एल बाई एल क्यू, ए एल बाई एल क्यू इक्वल्स टू ए एम बाई एम आर, एटलीस्ट ए एम बाई एम आर तो आया, अब देखते हैं ए एम बाई एम आर से बी एम बाई एम सी कैसे जाएंगे। ए एम बाई एम आर और बी एम बाई एम सी दो ट्राइंगल दिख रहा है, अगर फिर से सेपरेट आउट करे
तो मेरे को दिख रहा है ये और ये पैरेलल है, तो ऐसा सिनेरियो में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर कोई भी दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर होगा, जिसका यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल, यहां पे बहुत ध्यान देना नेमिंग पे, क्योंकि ए बी एम है तो ए कहां पे, आर पे, और बी के हिसाब से क्या होगा, सी, तो सी आर सी एम लिखना है, सी एम आर मत लिख देना। सो ट्राइंगल आर सी एम, दोनों ट्राइंगल में जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं वैसे यहां पे लिखना है। अब हम लोग को इक्वल्स प्रूफ करना है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल आर सी एम, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एंगल, दूसरा एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए एम इज इक्वल्स टू एंगल एम आर सी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर सी एम, रीजन क्या देंगे हम लोग, बाई ए ए क्राइटेरियन या कंडीशन भी लिख सकते हो ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सो हम लोग ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को पता है जैसे ही हम लोग सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं हम लोग इनका रेशियोज इक्वल कर सकते हैं, सो आई कैन से देयरफॉर ए बी बाय बी एम इज इक्वल ए बी बाय आर सी। ए बी बाय आर सी इज इक्वल्स टू बी एम बाय सी एम इज इक्वल्स टू ए एम बाई एम आर। सो बी एम बाई एम सी चाहिए था हम लोगों को, इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू मानते हैं और इसको इक्वेशन वन, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, इन दोनों को यूज करके ए एम बाई एम आर, ए एम बाई एम आर इज इक्वल टू बी एम बाई सी एम, तो हम लोग बोल सकते हैं ए एल बाई एल क्यू इज इक्वल्स टू बी एम by cm, proved, easy। next part क्या है, next part है lm by qr, lm by qr ये तो इस triangle में lie करता है, और हम लोग को given क्या है bm और mc, bm और mc, तो bm और mc से उस triangle में जाने के लिए am और mr use कर सकते हैं, so I can say part 2, इधर हम लोग पार्ट वन मेंशन कर देते हैं, सपोजिटली इधर लिख देते हैं पार्ट वन, या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बी एम इज टू एम सी इज इक्वल टू वन इज टू टू, सो देयर फोर ए एम बाई एम आर इज इक्वल टू वन इज टू टू, रीजन दे देंगे फ्रॉम टू, इक्वेशन टू से हमने देखा कि बी एम बाई एम सी इज इक्वल टू ए एम बाई एम आर। अब हम लोग इस ट्राइंगल में आ गए ए एम बाई एम आर, तो इसको ले लेते हैं ए एम बाई एम आर इज इक्वल टू वन बाई टू। अब इसके आगे प्रोसीड करने का दो तरीका है, एक तरीका यूज करता है बहुत सारा लोग प्लस वन करके, सो दैट मेथड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो उससे क्या बेनिफिट आएगा, मेरा एम आर मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो तो एक ये वाला ट्राइंगल है जिसको हम लोग बोलेंगे ए एम सी, सॉरी ए एम एल, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है जिसको हम लोग बोलेंगे ए आर क्यू। ये दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग को ए एम और ए आर चाहिए, पर मेरे पास ए एम और एम आर है, बट आई प्रेफर ऐसे लिया करो, लेट ए एम इज इक्वल्स टू एक्स एंड एम आर इज इक्वल्स टू टू एक्स, क्योंकि रेशियो में जब भी गिवन रहता है हम लोग उसको एक्स और टू एक्स ले सकते हैं। Therefore, AR
इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम आर, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि ए आर इज बेसिकली ए एम प्लस एम आर, सो उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स दैट इज थ्री एक्स। खाली शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे सम्स रॉन्ग हो जाएगा, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो हम लोग बोल सकते हैं ए एम बाई ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बाई थ्री एक्स दैट इज वन बाई थ्री। अब हम लोग सिमिलैरिटी में आते हैं, तो ए एम बाई एम आर इज इक्वल टू वन इज टू थ्री, ए एम बाई ए आर इक्वल टू वन बाई थ्री आ गया हम लोग का। पर हम लोग को क्या चाहिए, एल एम बाई क्यू आर दैट इज एल एम बाई क्यू आर। अगर इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दे तो हम बोल सकते हैं ए एम बाई ए आर इज इक्वल टू एल एम बाई क्यू आर, जिससे मेरा आंसर आ जाएगा। सो सिर्फ सिमिलर प्रूफ करना रह गया, इन ट्राइंगल ए एम एल एंड ट्राइंगल ए आर क्यू, इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर हम इसको शॉर्ट में बनाए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, चाहो तो तीसरा साइड बोल सकते हो कॉमन एंगल। तो इस बार कॉमन एंगल करते, एंगल ए एम एल इज इक्वल्स टू एंगल ए आर क्यू, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरा हो गया एंगल एम ए एल इज इक्वल्स टू एंगल आर ए क्यू कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम एल इज इक्वल्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर क्यू, रीजन देंगे हम लोग ए ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए एम बाई ए आर इज इक्वल्स टू एम एल बाई आर क्यू इज इक्वल्स टू ए एल बाई ए क्यू। सो देयरफॉर हम लोग को तो एल एम बाई क्यू आर चाहिए था, सो एल एम बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए एम बाई ए आर विच इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री, सो देयरफॉर एल एम बाई क्यू आर सॉरी एल एम इज टू क्यू आर इज इक्वल टू वन इज टू थ्री। तो सिंपल सम, ध्यान रखना होता है सब खेल अंडरस्टैंडिंग का है, ज्योमेट्री में कुछ भी कर सकते हो जब तक मैथमेटिकली राइट है। तो ध्यान दो कितना अच्छे से तुम देख सकते हो सम को, उतना इजिली हो जाएगा। रेशियोज ऑफ एरियाज, सो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियोज हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सबसे पहले इसका कंडीशन है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ये सिमिलैरिटी नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम लोग आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। सपोजेडली ये सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज बेसिकली किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का होल स्क्वायर, जैसे ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, BC by QR का होल स्क्वायर या AC by PR का होल स्क्वायर। एडिशनली सपोज मान लेते AD और AS इनका altitudes है, तो AD by PS का होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे एक altitude होता CX और RY तो उसका भी करते तो भी चल जाता हम लोगों का। जैसे ये मीडियन है AM, सो अगर हम लोगों का AM और PN मीडियन है तो AM by PM का होल स्क्वायर भी करेंगे तो भी हो जाएगा। और एंगल बाइसेक्टर AE और PQ, AE और PT एंगल बाइसेक्टर है, अगर इनका भी रेशियो का होल स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा। बेसिकली जो रेशियो मिले होल स्क्वायर करूंगा, दैट इज द होल पॉइंट। डू नॉट मिस आउट द होल स्क्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द गिवन फिगर S इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ QR ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल PSR, एंगल PSR मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल QPR, QPR मतलब ये पूरा एंगल। प्रूफ करना है हम लोग को दो ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल SPR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले रफ में बना लेते हैं, एंगल PQR, PQR और PSR। अगर हम लोग को देखे तो ये हम लोग को पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जब भी एक लेटर कॉमन होता है वैसा केस में यू विल रियलाइज हमेशा एक एंगल कॉमन होने का बहुत हाई चांस होता है। तो चेक करो एंगल PRQ और एंगल PRS सेम है, तो हो जाएगा हम लोग का एंगल एंगल एक्सियम से।
सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस पी आर हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी, क्या क्वेश्चन में गिवन है, पी एस आर, तो पी एस आर बाद वाला है तो उसको पहले नहीं लिखते, पहले हमेशा उसको लिखते जिसको हमने पहले लिया है. तो हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर. देखो क्यू पी आर पी एस आर एकदम लाइनिंग मैच कर रहा है जैसा कि होना चाहिए. इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन, और हम लोग बोल सकते हैं एंगल कौन सा आर वाला, तो एंगल क्यू आर पी शुड इक्वल्स टू एंगल पी आर एस. इसका रीजन है कॉमन एंगल. सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस पी आर बाय ए ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी. वेरी सिंपल, हम लोग का पहला पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट में हम लोग को क्या बोला है, लेंथ ऑफ क्यू आर और पी एस कैलकुलेट करना है. तो जैसे ही मैंने ये देखा मेरे को याद आया कि हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो कैसे उठाएंगे, पी क्यू बाई एस पी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी आर इज इक्वल्स टू पी आर बाई एस आर. अब देखते हैं किसका किसका वैल्यूज गिवन है. PQ का वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर विच इंप्लाइज 8 डिवाइडेड बाय, SP का वैल्यू गिवन नहीं है तो वो तो कैलकुलेट करना ही है हम लोग को. PS, QR, QR भी कैलकुलेट करना ही है मेरे को तो वो भी गिवन नहीं है. बाई PR, PR का वैल्यू गिवन है 6, PR का वैल्यू 6 और SR का वैल्यू 3. सो अब अगर हम लोग देखें तो इस सिनेरियो में आई कैन कैलकुलेट देयरफॉर क्यू आर बाई सिक्स इज इक्वल टू 6/3, ये कटा 2 जा विच इंप्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 12. एंड हम लोग ये भी बोल सकते हैं अगर इसको और इसको देखें तो हम लोग बोल सकते हैं 8/PS इज इक्वल टू 6/3, ये कटा 2 से ये कटा 4 से विच इंप्लाइज पी एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो दोनों का आराम से कैलकुलेट हो गया, वेरी सिंपल. लास्ट पोर्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस. अभी हमने किया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू कोई भी साइड का रेशियो. यहां पे हम लोगों को ये दोनों साइड गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर बाय एस आर का होल स्क्वायर. दैट इज पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू 6/3. सो दैट विल बी 6/3 का होल स्क्वायर, ये कटेगा 2 आएगा, सो दैट विल बी 4. आंसर आ गया. लास्ट पार्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मैप्स एंड मॉडल्स. जैसे कि आई एम होपिंग तुम लोग सब ज्योग्राफी में टोपोग्राफी को अच्छे से देख रहे होगे, तो वहां पे हम लोग का मैप्स एंड मॉडल्स आता है. मैप्स बेसिकली क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया को जब हम लोग एक कॉम्प्रेस्ड एरिया में बताते हैं, सब कुछ सिमिलर होता है, ठीक है ना. तो सिमिलैरिटी का पूरा इफेक्ट है एवरीथिंग दैट इज लार्ज इज बीन रिड्यूस्ड टू समथिंग. या फिर कोई चीज का मॉडल बनाते, सोचो एक शिप का मॉडल बना रहे, तो वैसा केस में भी क्या हो रहा है, बड़ा वाला शिप को रिड्यूस करके उसका छोटे हिस्से में ले आए हैं. सो इफ द मैप और अ मॉडल, मैप ऑफ अ प्लेन और मॉडल ऑफ अ सॉलिड इज ड्रॉन टू द स्केल 1:k, तो यहाँ पे ये जो k है इसको हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर. जैसे कि टोपोग्राफी में आई थिंक 1:25,000 दिया हुआ होगा, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 25,000 सेंटीमीटर्स ऑन द रियल वर्ल्ड. तो वैसा केस में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. सो लेंथ ऑफ एक्चुअल साइड ऑफ द फिगर और सॉलिड इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ द मैप, तो एरिया का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू रियल, और मॉडल का अगर के क्यूब होगा तो बेसिकली वॉल्यूम मॉडल के क्यूब से मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल का आ जाएगा. सो बेसिकली एक्चुअल का इज इक्वल्स टू के इंटू समथिंग, तो मॉडल का, तो लेंथ अगर करेंगे तो के, एरिया करेंगे तो ए स्क्वायर, और वॉल्यूम करेंगे तो के क्यूब. तो एक्चुअल इज इक्वल टू के टाइम्स द मॉडल. सो दैट इज वेरी सिंपल. एक दो सम देखते हैं. द मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू द स्केल फैक्टर 1:300. तो हम लोग बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 300. द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 2. हम लोग को लेंथ ऑफ द शिप निकालना है, तो लेंथ ऑफ द शिप इज इक्वल टू के इंटू
लेंथ ऑफ द मॉडल, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ द मॉडल, तो k क्या है मेरा 300 और लेंथ ऑफ मॉडल क्या है 2 मीटर, दैट विल बी 600 मीटर्स। वेरी सिंपल, आसानी से कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हम लोग को एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप दिया हुआ है और हम लोग को मॉडल का निकालना है। इस बार उल्टा, पर फॉर्मूला सेम लगाओ, तुम फालतू का टेंशन मत लो। एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। सो विच इंप्लाइज, इसका वैल्यू मेरे को गिवन है 1, 8, 1, 2, 3, 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, मतलब 300 का होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, विच इंप्लाइज 1, 8, 1, 2, 3, 4 बाई 300 इंटू 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। सो वैसा केस में ये 2 2 0, ये 2 2 0, ये 2 2 गया, 3 से कटेगा 6 जा, 3 से कटेगा 2 जा, विच विल बी इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो आसानी से कैलकुलेट हो गया। और लास्ट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द शिप कैलकुलेट करना है। सो अगर यहां पे देखें तो वॉल्यूम ऑफ द शिप इज इक्वल्स टू के क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, विच विल बी इक्वल टू 300 का क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या दिया हुआ है 6.5, सो दैट विल बी 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 2, 6 इंटू 6.5, दैट इज 65/10, 1, 0, 1, 0 कटा 1755, 1, 2, 3, 4, 5 मीटर स्क्वायर। वेरी इजी, आराम से कैलकुलेट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी।